press the bell icon on the YouTube app and सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार महविश नाज को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी, जो कि ना सिर्फ इन मौलवी मौलाना बल्कि जो मजहब के ठेकेदार हैं, 72 वर्जन हूरों का लालच देते हैं, उनको आज एक्सपोज करेंगी और उनको आड़े हाथों लेंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू यू ऑल एंड वेलकम नाजिया लाई खान वंस अगेन। थैंक यू सो मच मैम, फिर से एक दफा टाइम दिया। असल में आज का टॉपिक ऐसा था जो मुझे लगा आपके अलावा और किसी से डिस्कस नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहें, आबाद रहें। ओके नाजिया जी, मैं फिर से उसी एनर्जी की उम्मीद करते हुए आपसे फिर से सवाल करना चाह रही हूँ। सवाल ये है कि इंडिया के अंदर एक ऑफिशियल ट्रेलर टीजर रिलीज हुआ है जो बहुत ज्यादा धूम मचाई हुई है उसने, और वो है, उसका टाइटल है 72 हूरें। जी हाँ, 72 हूरें, जो कि रिलेट कर रहा है इस्लामिक हिस्ट्री से, क्योंकि हमेशा से जब भी जहाद और शहादत का जिक्र किया जाता है तो जन्नत के साथ 72 हूरों को रिलेट किया जाता है। इसके अंदर कुछ नाम हमारे सामने आए, जैसे उसामा बिन लादेन हो गया, अजमल कसब हो गया, हाफिज सईद हो गए, इस तरह के कुछ नाम जो हमारे सामने आए, उनको देखते हुए हम समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक। अवाम कंफ्यूज है, स्पेशली पाकिस्तानी अवाम इसको एक एजेंडा कह रही है, हिंदूज का एजेंडा कह लो, इंडियंस का कह लो, अगेंस्ट मुस्लिम्स या अगेंस्ट इस्लाम, इस तरह की चीजें। आपके पॉइंट ऑफ व्यू में, बीइंग अ मुस्लिम, आप एक इंडियन भी हैं, आप इसके बारे में क्या राय रखती हैं और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? द डर्टी ट्रुथ ऑफ मुस्लिम्स, द ओरिजिनल ट्रुथ ऑफ मुस्लिम, माइट बी बिटर, माइट बी सार, but this is the truth of Muslims, this is the truth of Islam. देखिए, आपके ही पाकिस्तान की एक एंकर है जिनको मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी ने कहा था कि 72 हूरे मर्दों को आसमान पर मिलेंगी जो वर्जिन होंगी, वर्जिन होंगी, जिनकी वर्जिनिटी ब्रेक नहीं हुई होगी। और आप मतलब जैसे आपकी शादी महविश हो जाएगी किसी मर्द से, और जब वो मर जाएगा और आप मर जाइएगा तो उसको आसमान पे 72 हूरे मिलेंगी और उस 72 हूरों की सरदार आप होंगी। देखिए हदीयत जो है ना, अब मैं थोड़ा सही से बताती हूँ आपको कि हदीयत, ये कुरान नहीं कह रहा है 72 हूरों के बारे में, कुरान ने इस 72 हूरों के बारे में कुछ नहीं कहा है। हमारी जो किताब है, जो रमजान में लैलतुल कद्र में जो नाजल हुई थी, जिस 30 पारे पर इस पूरे इस्लाम को चलना चाहिए, जिस 30 पारे पर इस दुनिया के सारे मुसलमान को चलना चाहिए, जिस 30 पारे को अभी कुछ दिन पहले क्राउन प्रिंस सऊदी अरबिया ने कहा है कि वो सिर्फ 30 पारे को मानेंगे, उस 30 पारे को के बियॉन्ड जा करके हमारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि कई देश में ऐसे मौलाना, और खास करके पाकिस्तान में ऐसे मौलाना हैं जिन्होंने बहुत कुछ मोल्ड करके रखा हुआ है। हमारा कुरान 72 हूरों का जिक्र नहीं कर रहा है, पर हदीयत जो है ना वो 72 हूरों का जिक्र करता है और कहता है कि पैराडाइज मतलब जन्नत में मर्दों को 72 हूरे मिलेंगी जो वर्जिन होंगी और जिसको आप इटर्नल और फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए रख सकते हैं, और जो बीवियां होंगी वो उस 72 हूरों की सरदार होंगी, मतलब इटर्नल और फिजिकल सेटिस्फैक्शन कराने के लिए हम अपने शौहर के पास एक एक हूर करके भेजेंगे। मतलब वो पैराडाइज नहीं है, वो जन्नत नहीं है, वो चकला खुल गया है, वो प्रोस्टिट्यूट एरिया खुल गया है। क्योंकि जन्नत को जिस तरीके से हमने डिस्क्राइब कुरान में पढ़ा, हमने जो कुरान में सीखा, हमारे बड़े बुजुर्गों से जो हमने सीखा कि जन्नत क्या होता है, जन्नत के बारे में सुन करके बच्चे से बच्चा झूठ बोलना बंद कर देता है, गलतियां करना बंद कर देता है कि हम मरेंगे तो हमको जहन्नुम के आग में जलाया जाएगा अगर हम झूठ कहेंगे, हम गलत करेंगे, किसी के दिल को दुखाएंगे, किसी का माल दौलत लूटेंगे तो हमको जहन्नुम में आग में जलाया जाएगा, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमको जन्नत भेजा जाएगा। लेकिन ये मौलवी मुल्लाओं ने जन्नत को चकला बना दिया है, प्रोस्टिट्यूट का एरिया बना दिया है। मतलब मेरा शौहर मरेगा और मैं मर जाऊंगी तो मैं उस 72
प्रोस्टिट्यूट की मैं सरदारनी हो जाऊंगी और मैं अपने अपने शौहर को एक एक करके उसको बिस्तर गर्म करने का सामान दूंगी। मैंने पहले ही कह दिया कि बहुत बिटर ट्रूथ है, बहुत अगली ट्रूथ है, बहुत डर्टी ट्रूथ है, पर अभी इसी तरीके से मैंने नाम लिया है मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी, आपके ही पाकिस्तान की एंकर को उन्होंने ये बात कहा था कि आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदारनी हो जाएंगी, और उन्होंने कहा भी था कि तो मैं क्यों हो जाऊंगी, तो उन्होंने कहा कि आप भेजेंगी इन हूरों को अपने खाविंद के पास, मतलब अपने शौहर के पास। ये आपके पाकिस्तान का ही मैं बता रही हूँ, जो वो हिंदुस्तान में गंद की उल्टियां करते हैं, मुंह से गू का उल्टी करते हैं, वो तो है ही, क्योंकि हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी हैं उसमें 80% जो हैं वो टेररिज्म माइंड के हैं। देखिए, कोई भी मुल्ला मौलवी बलात्कारी मुसलमान को कभी भी नेगेटिव नहीं बोलता है, कोई भी मुल्ला मौलवी जो मर्द तलाक देता है उसको नेगेटिव नहीं बोलता है। आज देखिए, फिर से जैसे द कश्मीर फाइल में एक बिटर ट्रुथ दिखाया गया, द केरला स्टोरी में मुस्लिम कम्युनिटी का एक अगली ट्रुथ दिखाया गया, मुसलमान मर्दों का एक सही चेहरा दिखाया गया, तो सबको बहुत प्रॉब्लम हो गया। उसी तरीके से 72 हूरों में मुस्लिम कम्युनिटी का एक असली चेहरा दिखाया जा रहा है, तो लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। पर मेरा कहना है कि भाई, जब बॉलीवुड में मुसलमान एक्टर जब टेररिस्ट बनते हैं, या हिंदू एक्टर जब टेररिस्ट बनते हैं और वो अपना मुसलमान नाम रखते हैं, तब ये मुसलमान मौलवी मुल्ला और ये लुंगी टोपी वाले, दाढ़ी वाले, जो लुंगी के अंदर चड्डी नहीं पहनते हैं वो वाले, इनकी मत मारी जाती है, तब ये सामने क्यों नहीं आते? तब तो बड़ा कूद कूद करके फिल्म देखने के लिए जाते हैं। आप देखिए, बहुत पुराने पिछले में चले जाइए, तब आपकी उम्र भी बहुत कम होगी और मेरी भी उम्र बहुत कम होगी, बहुत पहले मूवी आई थी मैचेस, जिसमें चार लड़के सिचुएशन के आधार पर कश्मीर में उन्होंने टेररिज्म एक्सेप्ट कर लिया था, पर चारों मुसलमान थे, मुसलमान आइडेंटिफिकेशन दिखाया गया। उसके बाद मूवी आई थी फिजा, जिसमें ऋतिक रोशन एक मुसलमान लड़का था और मिसगाइड और मिसअंडरस्टूड होने की वजह से वो टेररिस्ट बन गया था। उसके बाद फिर आई थी आमिर खान की फना, जिसमें वो टेररिस्ट बना था और वो मुसलमान बना था, इवन तावीज वावीज भी पहनता था, जो हमारे कुरान ने तावीज का कोई मसला ही नहीं दिया है। उसके बाद फिर सैफ अली पटौदी परिवार के नवाब साहब की फिल्म आई थी, उनकी अपनी बीवी के साथ, करीना कपूर के साथ कुर्बान, जिसमें वो टेररिस्ट बने थे और पूरा फैमिली जो था वो मुसलमान था। तब आपकी जुबान क्यों बंद हो जाती है? तब आप क्यों नहीं इनको रोकते हैं? तब आप इनको क्यों नहीं कंट्रोल में लाते हैं कि भाई, दुनिया के सामने तो तुम ही रख रहे हो कि मुसलमान टेररिस्ट होता है, दुनिया को तो तुम ही बता रहे हो कि मुसलमान टेररिस्ट होता है, कोई राम श्याम भगवान तो आया नहीं आप इस तरीके की मूवी बनाने के लिए, कोई किसी टेररिस्ट का नाम राम तो रखा नहीं गया। तो बॉलीवुड में जब ऐसी ऐसी मूवीज आती है, तब मुसलमान कूद कूद के जाकर देखते हैं। देखिए, मिशन कश्मीर आया था, जिसमें ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा थी, उसमें भी वो टेररिस्ट बना था, उसमें भी वो मुसलमान बना था। तो आप मुझे बताइए कि आखिर तब मुसलमान मुल्ला कहां मर जाते हैं, कहां मुंह में क्या ले लेते हैं? तो जब उनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती है कि बॉलीवुड मुसलमानों को क्यों बदनाम कर रहा है? बॉलीवुड में जितने भी टेररिज्म बेस्ड के जितने भी फिल्म आते हैं, उसमें मुसलमान कैरेक्टर टेररिस्ट क्यों दिखाया जाता है? तब नहीं बोलते हैं, लेकिन जब ट्रुथ स्टोरी आती है तब उसको कह दिया जाता है कि भाई, ये तो मुसलमान इस्लाम पे खतरा है, ये तो मुसलमानों पर कटाक्ष किया जा रहा है, ये तो मुसलमानों पर जा रहा है। यहाँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, जैसे आपने बात की पहले कश्मीर फाइल की, फिर द केरला स्टोरी की, अब हमारे सामने 72 हूरों की बात हुई है, इसी तरह आपने बॉलीवुड का जिक्र किया कि बॉलीवुड में हमेशा मुस्लिम्स को जो है ना, मुस्लिम टैग के साथ उनको टेररिस्ट दिखाया जाता है। व्हाट डू यू थिंक इसमें इंडियन पॉलिटिक्स कितना बड़ा रोल प्ले करती है? क्या उनका कोई रोल है, कोई एजेंडा हो सकता है? अब तो जनता की बात सुनी भी जा रही है, अब तो जनता के बातों को मतलब मद्देनजर और उसको एक सही तरीके से देखा भी जा रहा है, एक वैल्यूएबल पॉइंट से देखा जा रहा है।
पर जब मैं कुर्बान मूवी की बात कह रही हूँ, फिजा की कह रही हूँ, मैचेस की कह रही हूँ, फना की कह रही हूँ, या आपकी मिशन कश्मीर जो आई थी, द कश्मीर फाइल नहीं, मिशन कश्मीर जो आई थी जिसमें प्रीति जिंटा और ऋतिक रोशन था, तो ये सारी मूवीज जब आई थी और जिसमें मुसलमान को टेररिस्ट दिखाया गया था, तब तो कांग्रेस की सरकार यहाँ हुआ करती थी और तब तो ऐसा कुछ बात भी नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज तो कोई नई बात है नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात है, ये तो शायद 1994 की बात है जब ये मैचेस मूवी आई थी और मुसलमानों को टेररिस्ट दिखाया गया था। उसके बाद फिर कई मूवीज ऐसी आई है जिसमें ये दिखाया गया है कि तुम जिहाद के नाम पर ये कर दो, तुमको जन्नत में अल्लाह तबारक ताला 72 हूरे अता फरमाएगा। तो ये 72 हूरों का लालच और 72 वर्जिन लड़कियों का लालच कब तक चलेगा भाई, जबकि कुरान तो ये 72 हूरों के बारे में बोलता ही नहीं है, हदीस बोलता है। आपने हदीस को अपने अपने तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न करके लिखा है, तो मैं हम सारे मुसलमान उसको मान लें, ये तो हम मानेंगे नहीं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ इन मजहब के ठेकेदारों को जो कि बच्चों को भड़काते हैं, खासकर छोटे बच्चे जो मदरसों में जाते हैं उनको बाकी धर्म के लोगों के खिलाफ भड़काते हैं, और खासकर वो मौलाना जो बाकी लड़कों को ये सिखाते हैं कि अगर आप जिहाद करोगे, अगर आप जिहाद के नाम पे लव जिहाद करोगे या दूसरों को मारोगे, तो आपको जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी, जिसे नाज़िया खान जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सपोज किया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, मजेदार और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।